दुर्ग लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद विजय बघेल को दूसरी बार लोकसभा का टिकट मिला है। विजय बघेल ने पिछले लोकसभा चुनाव में 4.25 लाख वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता विजय बघेल ने कहा कि मैं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाजपा नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है, मैं और दुर्ग की जनता धन्यवाद देते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम ये सीट और भी बड़े अंतर से जीतेंगे। पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर ले जाने का जो संकल्प लिया है, लोग इस संकल्प में उनके साथ हैं। बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करेगी। मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अमित शाह जी और सभी केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानित देवसाई जी, सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे कर्मठ दुर्ग लोकसभा के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को और यहाँ के जनजन को, जनता जनार्दन को, जिनको आशीर्वाद इसमें मिला, उसी के बदौलत राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश में पिछले एक बार फिर से मुझे सेवक के रूप में यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं दिल से, आत्मा से, भावना से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो विश्वास दुर्ग के जनता के ऊपर और यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया है, उस विश्वास में हम खड़े उतरेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। पिछले बार से और ज्यादा मतों से जीतकर, रिकॉर्ड मतों से जीतकर दुर्ग लोकसभा के सांसद अब तक माननीय मोदी जी के गली में डालेंगे। मैं एक बार 11 की 11 से छत्तीसगढ़ से आई, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और जिस तरह संकल्प है कि निरंतर जो सीटें बढ़ रही है भाजपा की, इस बार तो 17वीं लोकसभा ने ऐसी ऊंचाई तय की है जिसके कारण जनजन में भरोसा और प्रगाढ़ हुआ है मोदी जी के ऊपर। और विश्व को अगर हमको इस बार तीसरे नंबर पर ले जा रहे हैं जो संकल्प मोदी जी लिए हैं, उन संकल्पों में जनता जनार्दन साथ में है और 400 पार एनडीए का होगा, 370 पार भाजपा का होगा, ये संकल्प भी हमारा पूरा होगा।